हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट योर लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से हम सेकेंडरी बीम को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट पे मोमेंट जीरो करना है बाय स्पेसिफिकेशन में जाके। अभी इस वीडियो में ये जो सेकेंडरी बीम हमने ऐड किया है वहाँ पे भी हम लोड अप्लाई करने वाले हैं, और ये जो हमारा पैनल है जहाँ पे वन वे डिस्ट्रीब्यूशन का लोड एक्ट होने वाला है वहाँ पे भी हम लोड अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लेट से 7.67 किलोग्राम पर मीटर का जो लोड है वो फुल ब्रिक वॉल का है, और वो लोड हम ये जो हमारा पास सेकेंडरी बीम है उस पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये बीम को पहले सेलेक्ट करेंगे 7.67 किलोग्राम पर मीटर, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस, ताकि वो जो बीम है वो जो लोड है वो इस बीम पे अप्लाई हो चुका है डेड लोड। और अगर आप आइसोमेट्रिक में जाओगे यस, तो यू कैन सी दैट दिस लोड हैज़ बीन अप्लाइड। अब ये जो बीम है वो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे बीम है, तो उसको हमें सेकंड फ्लोर में भी कॉपी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक में व्यू में जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरी वर्टिकल हाइट है वो मैं एक बार मेज़र कर लेता हूँ, 2.835 मीटर, ओके। और फिर सिलेक्ट बीम में जाके ये बीम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, और वाई रेंज में वर्टिकल है 2.835 मीटर, और सिंपली उसको ओके कर देता हूँ, ताकि आप देख सकते हो कि लोडिंग के साथ वो कॉपी हो चुका है। अभी हमें फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे लोडिंग भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और सिंपली हम फर्स्ट फ्लोर पे सिलेक्ट करेंगे सभी एलिमेंट्स को, राइट क्लिक, न्यू व्यू, और क्लिक ऑन ओके, और क्लिक ऑन टॉप व्यू। अब यहाँ पे हमें फ्लोर लोड ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले रिमूव ऑल द डायमेंशन, और यहाँ पे हम करेंगे डेड लोड, और डेड लोड में हम करेंगे ऐड। अभी अगर आप देखो सल्फेट, तो सल्फेट पूरे स्ट्रक्चर में अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप सल्फेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स है जहाँ पे लोड सल्फेट का लोड अप्लाई नहीं है। तो सिंपली हम डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में जाएंगे और सल्फेट को क्लिक कर देंगे असाइन टू व्यू, ताकि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सल्फेट असाइन हो जाएगा। और फिर वापस फ्रंट व्यू में जाके राइट क्लिक, न्यू व्यू, और सिंपली क्लिक ऑन ओके, गो टू द टॉप व्यू। अब यहाँ पे हमें फ्लोर लोड असाइन करना है, तो डेड लोड में जाके क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फ्लोर लोड। इंटेंसिटी जो है हमारी फ्लोर लोड की वो है -2.5 के एन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा स्लैब का लोड है। तो -2.5 के एन पर मीटर स्क्वायर का स्लैब का लोड हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया है वो मैंने आगे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो हमारी वाई रेंज है वो ऑब्वियसली वर्टिकल 1 मीटर से लेके 6 मीटर तक, ताकि दोनों फ्लोर में वो अप्लाई हो जाएगा। और जो हमारी एक्स रेंज है वो हमारी होगी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो मैं डिस्प्ले नोड कर्सर में जाता हूँ और ये दोनों पॉइंट को एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ, दोनों नोड को। तो एक्स है 3.505 से लेके 5.055, तो 3.505, 5.055, और जो जेड रेंज है वो ऑब्वियसली 0 से लेके ये पॉइंट तक 4.115, तो 0 से लेके 4.115। और मेक श्योर कि आपका जो लोड है वो वन वे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वन वे डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑन रखना है, और द लोड इट विल बी ट्रांसफर टूवर्ड्स द लॉन्गर डायरेक्शन। तो लॉन्गर डायरेक्शन की जो हमारी बीम्स है वहाँ पे लोड ट्रांसफर होने वाला है, तो ये बीम पे और ये बीम पे स्लैब का कोई लोड नहीं आने वाला है। तो सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो लोड ऐड हो चुका है। अब हमें ये जो लोड हमने ऐड किया है वो है सल्फेट ऑफ द स्लैब। अब हमें फ्लोर फिनिश लोड डेड लोड में ऐड करना है, उसकी वैल्यू सिर्फ -1 है, -1 के एन पर मीटर स्क्वायर, और बाकी के सब पैरामीटर सेम ही रहने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐड, और क्लिक कर देंगे क्लोज। अब हम लाइव लोड में जाएंगे और लाइव लोड में हम ऐड करेंगे हमारा लाइव लोड, ये जो फ्लोर है उसका। तो सेम प्रोसीजर है, ऐड में जाके, फ्लोर में जाके, लाइव लोड जो है वो हमारा है -1 के -2 के एन पर मीटर स्क्वायर,
और जो बाकी के जो पैरामीटर्स है वो सेम ही है। तो y जो है वो 1 से लेके 6 मीटर तक, x जो है 3.505 से लेके 5.055, और जो z रेंज है वो 0 से लेके 4.115। अब हम सिंपली वन वे डिस्ट्रीब्यूशन ऐड क्लोज, ताकि आप देख सकते हो कि ये जो लोड है वो वन वे डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाफ लोड इस बीम में जा रहा है और हाफ लोड इस बीम में जा रहा है। सिमिलरली जहाँ पे भी लोड है, सिमिलरली जहाँ पे भी लोड है। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोड अप्लाई कर सकते हैं।